हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह मौली। गोल्ड गुरुकुल और प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक रियल एस्टेट में, डोंट बी इमोशनल, बी प्रोफेशनल इन बिजनेस। मैं ये क्यों लिख रहा हूं कि जब हमने कोई प्लॉट लेना है, मकान लेना है, दुकान लेनी है, इंडस्ट्री प्लॉट लेना है, फैक्ट्री के प्लॉट लेना है, कुछ और तरीके के लेना है, हमें बहुत बड़ा बजट देना पड़ता है। कई बार हमें पूरी ज़िंदगी की कमाई देनी पड़ती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इस तरीके का डिसीज़न लेते हो तो आपको इमोशनल नहीं होना, प्रोफेशनल होना है। प्रोफेशनल होने का मतलब है आपने जो भी आपके पास सवाल हो सारे सवाल करने हैं सामने वाले से। मैं तो ये देख के आज हैरान हूँ कि किसी कोई राकेश नाम का बंदा, राकेश कोई बाहर से ही हैं, उन्होंने कोई प्लॉट लेना है यहाँ खरड़ में और साई दे चुके हैं। साई देने के बाद वो जो प्लॉट जिस पार्टी से प्लॉट लिया है वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वो घूमते फिरते किसी पहले वकील के पास गए, फिर मेरे पास आए, तो मैंने मतलब अपने एंगल, अपने हिसाब से जितना भी उसको बताना था बताने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तसल्ली नहीं हुई तो मैंने जो सेलर है इस प्लॉट में उसके साथ बात करने की कोशिश की। आप हैरान हो गए, इतना उसका रूड बिहेवियर बंदे का जो इसने प्लॉट बेचा है, 100 गज का प्लॉट बेचने वाला आदमी अपने आप को क्या धीरू भाई बनी समझ रहा है यार, इतना मैं कह रहा हूँ बेवकूफ़ी वाली बात वो कर रहा था। तो मैंने उसको कहा भाई मैंने प्लॉट लिया है तो मेरे को समझा दो कि इसकी रजिस्ट्री कैसे होनी है, इसका म्यूटेशन कैसे होना है और इसका जो खरड़ म्यूनसिपल कमेटी में नक्शा कैसे पास होना है। इतनी बात सुनने के बाद ही भड़क गया, आपको मारो हमारे पर विश्वास नहीं है, आप ये क्या क्या कर रहे हो, आप कैसे बातें कर रहे हो, हम इतनी देर से यहाँ पर मार्केट में बैठे हैं, ओ हमने तुम्हें आग लगानी है मार्केट में बैठे हो, 100 बार बैठे रहो यार। जो आदमी लेने वाला आदमी है उसको नहीं पता तो उसको, उस आदमी को कैसे आप कर सकते हो, उसको सेटिस्फाई क्यों नहीं करोगे, आप अपने पैसे क्यों ले रहे हो उससे फिर, यदि आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप सेलर हो तो जो परचेजर है उसके सारी बातों का जवाब आपके पास होना चाहिए। यदि आप परचेजर हो तो आपके पास इतने सवाल होने चाहिए सामने वाला बंदा आपको बेवकूफ ना बना दे। मेरे बात करने के बाद भी मेरे को भी कह रहा है कि आपको पता ही कुछ नहीं है जी। मैंने कहा यदि तू मेरी प्रोफाइल देख ली ना तो बेहोश हो जाएगा तू। यदि मेरे को कुछ नहीं पता, मैं 30 साल से इस लाइन में हूँ तो मेरे को ही नहीं पता तो फिर बाकी को क्या हाल होगा, बाकी लोगों को कैसे डील करते होंगे तुम यार। मतलब उसमें प्रोफेशनलिज्म कोई नहीं, 1% भी मैंने नहीं देखी। रियल स्टेट एजेंट, यदि आप रियल स्टेट एजेंट का काम कर रहे हो, ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, यदि आपके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है, सामने वाले बंदे को सेटिस्फाई करने की कला नहीं है, तो आप आज भी आउट हो मार्केट से, कल भी आउट हो, ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे। यदि आपने एम्प्लाई रखे हुए तो एम्प्लाई के ऊपर अपने चेक रखो कि वो क्या कह रहा है, किस तरीके से उनको मिलने की कोशिश कर रहा है। उसके मालिक को 3 बार मैंने फ़ोन किया, आज 3 बार मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया उसने, उसके मालिक ने। एम्प्लाई तो मतलब मिसबिहेव कर ही रहा है, मालिक ने भी फ़ोन नहीं उठाया। जिस बंदे से आपने 20-25-30 लाख रुपया प्लॉट का लेना है उस बंदे को सेटिस्फाई क्यों नहीं करना तुमने यार, हद होगी यार, इतना पागलपन है लोगों में। हमारे पास कोई बंदा आए हम एक एक चीज़ उसको बता के भेजते हैं, कोई मतलब ही नहीं यार उसका, जितने भी सवाल हों उसके जो मन में सवाल होते हैं वो मेरे मन में होते हैं, वो मेरी ज़ुबान पे आ जाते हैं कि ये मन में क्या सोच रहा है बंदा, इस बंदे का ये सवाल है, इसको काउंटर कैसे करना है, इसको इसकी सफाई कैसे देनी है, इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कैसे करना है। रिपीटेडली ग्राहक ताही आते हैं, तभी आते हैं यदि वो जिस तरीके से वो बंदा डील कर रहा है। एक राकेश कुमार तो फंसा हुआ है, शायद 20-85 लाख रुपये दिया हुआ है, या तो 85 हज़ार रुपये उसके, यदि उसको वो वापस कर दिए उसने तो 100% उससे प्लॉट नहीं लेगा, वो सुनने को तैयार नहीं। अपनी बातें हम बैठे हैं जी, हम किस लिए बैठे हैं भाई, तुम बैठे हो बैठे रहो, जो सामने वाला बंदा है जिसने पूरी ज़िंदगी की कमाई आपको देनी है उसको तसल्ली करानी, तुम्हारा बाप तसल्ली कराएगा ये, फिर क्यों नहीं तसल्ली कराओगे भाई। ऊपर से इतना बदतमीज, मैंने उसको उससे क्वेश्चन करने की कोशिश की कि हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, सपोज मैंने 5 प्लॉट लेने हैं आपसे तो हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा डील को फाइनलाइज करने का, डील को क्लोज करने का, और हमें मतलब लास्ट तक हमें क्या करना पड़ेगा, आपको समझ नहीं आता क्या मेरे को बता रहे। मैंने कहा ठीक है यार, तो फिर ये वीडियो बनाने का मेरा मन हुआ आपके साथ, जरूर बात करनी थी कि यदि आप रियल एस्टेट एजेंट हो और इस तरीके का आपका बिहेवियर है तो ये समझ लो आप आज भी नहीं तो कल भी नहीं,
मार्केट से आउट होने ही होने, आपको प्रोफेशनलिज्म अपने अपने में लाना पड़ेगा, सामने वाले बंदे की तसल्ली करानी पड़ेगी, सामने वाले बंदे का के हर सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। यदि नहीं दोगे तो वो आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा, यदि वो बंदा उसको सेटिस्फाई कर देता तो हो सकता है राकेश कुमार और 10 बंदों को लेके उसके पास चले जाता कि हाँ ये बंदे बढ़िया हैं यार, मेरे से बात करने, मेरी कंसल्टेंसी बुक की है उस बंदे ने, तो मेरे से कंसल्टेंसी करने के बाद मेरे को कहा है, तो मैंने उसको, मैं तो मतलब एंड तक जाना ही जाना है, जब बंदा मेरे पास आ गया प्रोफेशनलिज्म के साथ आया, मेरे को उसने पैसे दिए, उसकी हेल्प करने के लिए जाना ही जाना है, उसको नहीं समझ रहा तो मैंने मालिक से बात करने की कोशिश की, और मालिक ने, जो मालिक उनका सेल एग्जीक्यूटिव है, मालिक भी नहीं है वो, मालिक भी कोई और होगा, वो मतलब इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, पूछो ही मत, फोन ही बंद कर दिया उसने बात करते करते। भाई मैंने कहा है, बार बार कहता हूँ, यदि आप सेलर हो तो आपको परचेजर की हर बात का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो परचेजर आपके साथ अपने रिलेशन ख़राब करके चला जाएगा, आपकी जो आमदन है वो ख़राब हो जाएगी। सो हमने इन बातों का ध्यान रखना है, और यदि हम परचेजर हैं तो हमें इतने सवाल होने चाहिए कि सामने वाले बंदे से हर सवाल का जवाब मांग सकें। मैं कितने प्रॉपर्टी फ्रॉड पर कितनी वीडियोस हैं, वो इसलिए हम बच पाए कि मेरे पास सवाल बहुत होते थे सामने वाले के ऊपर दागने के लिए, और दाग सवाल दागते थे तो वो बंदा हिल जाता था, जब वो बंदा ख़त्म, बंदा हिल गया तो उसके वो जब जबान थथलाती थी तो उसमें से कोई ना कोई बात निकल जाती थी, तो पता लग जाता था कि आदमी फ्रॉड है ये। सो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप रियल स्टेट एजेंट हो, आप बिल्डर हो, आप कॉलोनाइजर हो, आप कोई और कोई किसी एंगल में काम कर रहे हो, रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो, आप इन्वेस्टर हो, तो भाई सामने वाला बंदा जो आपको पैसे देने आ रहा है उसका आपने ध्यान रखना है, उसकी आंख में, उस आंख में आंख डाल के बात करनी है, उसके डर सारे देखने हैं, किसके क्या क्या डर हैं, उन डरों को दूर कर देने, यदि आप डरों को दूर कर दोगे तो डेफिनेटली वो आदमी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, जब आदमी कंफर्टेबल हो जाता है तो दोस्ती की तरफ बढ़ता है, और जब दोस्ती की तरफ बढ़ता है तो फिर हमारा बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है, रिपीटेड कस्टमर तब आते हैं हमारे पास। तो दोस्तों आज के लिए इतने, क्या कहूँ, वीडियो अच्छी लगे शेयर करना या ना करना ये आपने देख लेना, लेकिन यदि आपका एटीट्यूड यही है जो बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना एटीट्यूड ठीक कर लो, 100% आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो मार पड़ने के 100% चांसेस हो सकते हैं। चैनल पर आपका कोई कमेंट, आपको कुछ कहना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आके कह सकते हो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, बहुत जल्द आपके सामने होगा, तब तक आप सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंत सिंह मौली, थैंक यू वेरी मच।